कल मेरा गाना रिलीज हो रहा है, तो ये सारी मतलब जितनी भी वाइफें हैं भारत में उन पे ये सॉन्ग डेडिकेट है। पहले तो मेरा बहन का आज बर्थडे है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जाने का बात है, अभी तो डिसाइड नहीं किया है क्योंकि अभी मैं एंटरटेनमेंट में ही हूँ। एक्चुअली मेरा ना एक सपना था कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं मुंबई में एक बड़ी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगी और अपने दोस्तों को बुलाऊंगी, अपनी फैमिली को बुलाऊंगी। तो आज मेरी फैमिली है, बस पापा थोड़ा मिसिंग है क्योंकि पापा को अर्जेंट वर्क था तो पापा आ नहीं पाए, बट पूरी फैमिली है। मेरा छोटे भाई भी आ गए हैं, जो दो बचे हुए थे वो भी आ गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो मेरा जो सपना था वो आज पूरा हुआ कि आज मैंने बर्थडे पार्टी रखी है मुंबई में, आप समझ रहे हैं, और आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच जी। हाँ अरे हाँ, वो तो अच्छा, वो तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी पार्टी पार्टी की खुशी में। अच्छा बैनर भी लग गया मेरा, ओ वाओ नाइस। सो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल मेरा गाना रिलीज हो रहा है, ये मतलब मैंने ऑलमोस्ट शूट कर लिया था बिग बॉस के निकलने के बाद बट रिलीज नहीं हुआ, तो फाइनली 2 तारीख को रिलीज हो रहा है। ये हरियाणवी गाना है और गाने का नाम है एसी लगवा दे। ये औरतों पे है, मतलब जिनके पति उनको किचन में मतलब खाना बनाने के लिए छोड़ देते हैं और वो गर्मी में खाना बनाती हैं, तो उनके लिए है कि एक वाइफ अपने पति से बोलती है कि भैया मतलब सॉरी कि भाई एसी लगवा दो साजना, क्योंकि गर्मी लग रही है, खाना नहीं बना पाती। तो ये सारी मतलब जितनी भी वाइफें हैं भारत में उन पे ये सॉन्ग डेडिकेट है। जी बर्थडे के रिचुअल मतलब सुबह से, एक्चुअली सुबह से नहीं, कल से मेरी शुरुआत बहुत ज़्यादा बिजी रही है। कल मैं मतलब कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, उन्होंने मेरे घर पे सरप्राइज़ रखा, मुझे पता ही नहीं था, तो मेरा पूरा घर सजाया। फिर सुबह मैं मेरे बाजू में ही मतलब लाइक मंदिर एक छोटा सा, वहाँ पे मैंने जल्दी से जल अर्पण किया क्योंकि मैं सिद्धिविनायक नहीं जा पाई, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक व्यस्त हो गई, तो मैंने वहीं पे ही अपना मतलब जो अपना शिवजी जी का था उन पे मैंने जल अर्पण कर दिया। उसके बाद फैंस लोग आ गए, उन्होंने सरप्राइज दिया, फिर फ्रेंड्स लोग आ गए, उन्होंने केक काटा। मतलब कल से मैं फुल 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 बिजी हूँ, अभी जाके मैं यहाँ पे पहुँची। जी लेट्स सी, आई विश कि ये सॉन्ग हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए, और उसके बाद जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी, बस उसकी चल रहा है बातचीत। लेट्स सी, देखो जाने का बात है, अभी तो डिसाइड नहीं किया है क्योंकि अभी मैं एंटरटेनमेंट में ही हूँ और अभी मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में मे भी बुढ़ापे में पॉलिटिक्स करूँ बट अभी बुढ़ापा आने तक भी बहुत टाइम है। पहले तो मेरा बहन का आज बर्थडे है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बर्थडे है बहन का, और मेरी तरफ से बहुत बहुत विश है बहन को कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और बहुत आगे बढ़े, और सबका जितने भी हैं लोग सबका प्यार इसको बहुत भर भर के प्यार मिले, मजा आ जाए। अगर गिफ्ट बस दे दिया है, गिफ्ट जो देना था अब दो चीज एक साथ हुई है ना। I'm so sad, but सलमान सर कभी नहीं आया। मुझे किसका, हाँ मुझे किसका, ऑलमोस्ट सबके आ गए, ऑलमोस्ट सबके आ गए, पर सलमान सर रोहित शेट्टी सर रह गए। जी ऑफकोर्स, सुबह ही फ़ोन आया मुझे साजी जी का, उन्होंने ऑल द मतलब बेस्ट ऑफ लक बोला है, हैप्पी बर्थडे कहा है, और उन्होंने बोला कि लखनऊ चला गया हूँ मैं, तो वरना मैं आता तो वो लखनऊ चले गए हैं, तो वो शायद नहीं आए। ओह थैंक यू सो मच माई ऑल फैंस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच, सुबह से आप लोग बहुत विश कर रहे हैं, तो उसके लिए लव यू अ लॉट, थैंक यू। मुझे बोलना चाह रही मुझसे, मम्मी कुछ भी बोल दो।
पूछो सवाल पूछो सवाल पूछो। इस बर्थडे में बहुत बड़ी पार्टी दे रही है, मैं भी खुश हूँ। मेरे से मैं तो आशीर्वाद ही है बस। मेरे पास क्या इसी का ही सब कुछ है। हाँ ये बचपन से ही ऐसी है, ये पहले से ही है। एक एक टोपी में भी बर्थडे बनाती थी है, बच्चों को एक एक टोपी देती थी है। मेरे से 10 रुपए ले जाती थी, 20 रुपए ले जाती थी। बर्थडे जरूर बनाती थी, बच्चों को जरूर बुलाना था इसे। ये है हाँ, वो भी पोतों के लिए AC लगवा रही है सबके किचन में।